जीते हुए 24 मुस्लिम सांसदों की लिस्ट वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि हम भी कुछ कम नहीं। पिछली बार 23 सांसद थे पर ट्रिपल तलाक विरोध में सिर्फ 2 वोट मिले थे। मॉब लिंचिंग पर सिवाय अवेसी के कोई नहीं बोला। दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ संसद में कोई नहीं बोला सिवाय अवेसी के। कोई दलित मुस्लिमों पर अन्याय हुआ सारे खामोश रहे। फिर इस बार 24-27 मुस्लिम संसद पार्लियामेंट में जाने की खुशी में सोशल मीडिया पर हंगामा मचाने वालों के यह बात कब समझ में आएगी कि तुमने संसद में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा बल्कि किसी पार्टी के मजदूर भेजे हैं। जितने मुस्लिम संसद सदन में पहुंचे हैं वो मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, वो अपनी पार्टी के बंधुआ मजदूर है, सिर्फ मजदूरी करेंगे। भले ही ओवैसी जैसा कोई एक और उभर आएगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 350 के मुकाबले एक या दो संसद समंदर में एक ग्लास पानी की तरह है। हम मुसलमानों को तो अफसोस होना चाहिए कि हमने 70 साल सिर्फ किसी न किसी पार्टी का बोझ ढोया है और उन्हें गद्दी पर बैठाया है। संसद में हमने हमारे प्रतिनिधि नहीं बल्कि किसी न किसी पार्टी के मजदूर को भेजा है। हमने अब तक सारे काम दूसरों के लिए किए हैं, हमारी कौम के लिए नहीं। बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें बीजेपी वालों से कुछ सीखने की जरूरत है। बीजेपी के संसद उनके प्रतिनिधि है, बंधुआ मजदूर नहीं। बीजेपी के लोगों ने संसद में उनके प्रतिनिधि भेजे हैं और वह उनके हित में काम करेंगे और कर रहे हैं। अगर हम अब भी न जागे तो याद रखना अखलाक पहलू खान जैसे मजलूम तुम्हारे जहन्नुम में जाने का सबब बनेंगे।